हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग विच इज संतोष ब्लॉग अलाइव अ डे इन माय लाइफ। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज 3 दिसंबर है, टाइम अराउंड 7:30 हो रहा है और हम लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं और मेरा एल्डर सन लेके हमें बाहर जा रहा है डिनर के लिए। तो रास्ते में हम लोग ऑन द वे हैं। हमारे एरिया में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जाते हैं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, घर से 13 मिनट का डिस्टेंस है, तो हम लोग यहीं पर जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब कुछ। तो मॉल हैं, शॉप्स हैं, होटल्स हैं, ढाबे हैं, हर एक तरह के चीज़ें हम अवेलेबल हैं, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स। पान भी है खाने के लिए आफ्टर डिनर और एवरीथिंग विच यू वांट टू टेस्ट एंड ईट यू कैन। तो इसलिए हम लोग यहीं जा रहे हैं। तो हम लोग और भी जहाँ घूमने जाते रहते हैं लेकिन मैक्सिमम इधर ही जाना चाहते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पॉश जगह है। हमारे ये जहाँ पे हमारा घर है वहाँ के लिए पॉश माना गया है, तो हम लोग इधर ही जाते हैं, यहाँ बहुत अच्छा लगता है हमें। और हम रास्ते में बातें करते हुए जा रहे हैं, अपनी घर गृहस्थी की बातें करते हुए, कुछ प्लान, कुछ चीज़ें आपस में सलाम रसोड़ा करते हुए जा रहे हैं, मस्ती करते हुए। और यहाँ बगल में ना शादी का बैंक्वेट आया, तो यहाँ पे बहुत रश था, मतलब मिहारी रोड पे तो नहीं था, साइड वाली रोड में व्हीकल्स का रश ज़्यादा था क्योंकि वहाँ बैंक्वेट में लोग आ रहे होंगे, तो उसके लिए जो बारात रात आती है तो उसमें रोड सा जाम हो जाता है। लेकिन हमारी रोड तो स्मूथली चल रही है, देखिए इतना कहीं भी जाम नहीं है, आराम से जा रहे हैं हम लोग। और आजकल कहते हैं न्यू वेरिएंट आया हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया में कोई डर नहीं है, बाहर देशों में ही है। और जो भी है, अभी कोरोना आया था, अभी उसका कोई ट्रीटमेंट हुआ नहीं, कोई मेडिसिन नहीं बनी है, तो हमें अपने गाइडलाइंस के अंदर रह के सारा काम करना है, अपने सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो हमें ऐसा कुछ नहीं होगा। और मास्क, देखो यहाँ भी बैंक्वेट, यहाँ भी शादी है, तो यहाँ भी सजा हुआ है, और इसलिए जाम बहुत सारा रोड पे है, साइड वाले रोड्स में, बीच वाले रोड में तो नहीं है कि हम लोग फ्लाईओवर से वाले रोड पे चल रहे हैं, और साइड वाले रोड में भी बैंक्वेट है, यहाँ भी आज शादी है, बहुत सारी लगन थी उस दिन जिस दिन हम लोग बाहर गए थे। तो क्योंकि आज हमारी कुक नहीं आई थी तो हम लोग बाहर जा रहे हैं डिनर करने, तो बच्चों को जिस दिन कुकने आए तो ऑर्डर कर लो या तो बाहर चलो। तो ऑर्डर करने से अच्छा है कभी कभी आउटिंग कर ली जाए, बाहर ही जाके डिनर करके आया जाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं आज। और हम लोग ऑलमोस्ट आधे से अधिक रास्ते क्रॉस कर चुके हैं, अब जस्ट थोड़ी देर में आ जाएगा हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट। और आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट भी करें और सजेशन भी दें कमेंट में कि हमें कैसी वीडियोस, हमने जो अपडेट्स हैं वो अब आगे कैसे हमें बनाने हैं, कैसी वीडियो आप लोगों के लिए हमें बनानी चाहिए, तो वैसे हम व्लॉग बनाएंगे आपके लिए। आप सजेशन ज़रूर देना और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को विच इज़ संतोष ब्लॉग अ डे इन माई लाइफ, डोंट फॉरगेट टू वॉच एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अपडेट्स और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। ओके, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें,
खुश रहें, खुशियाँ बांटें और बाहर विदाउट मास्क इसको बिल्कुल भी ना निकलें। और देखिए ये रोड पे लाइटिंग कितनी अच्छी हो रही है, इससे लगता है कि हमें अपने वतन से कितना प्यार है ना। हमारे बिल्कुल यहाँ का है इंडिया का नेशनल फ्लैग, ऊपर सफ्रॉन, बीच में वाइट, नीचे ग्रीन, तो बड़ा अच्छा लग रहा देख के। तो अच्छी लाइटिंग, जैसे वो माँ की चीज करीब आ रही है, जहाँ हमें जाना है यहाँ से लाइटिंग शुरू हो गई। तो बहुत अच्छी जगह है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। हमें अक्सर हम 15 डेज मतलब वंस अ वीक तो चले ही जाते हैं, कभी कभी ट्वाइस अ वीक, जस्ट ऑन आवर चॉइस। तो मैं सब डेस्टिनेशन आने ही वाले हैं, आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंड स्माइल, बी द रीजन फॉर समवन स्माइल। बड़ों को आदर दें, रिस्पेक्ट करें, और एल्डर्स को अपने प्यार दें, उनको प्यार के, आपके घर में जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनका ध्यान रखें, उनको परेशानी ना होने पाए किसी चीज़ का, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि वो हमारे बड़े होते हैं, हमारे भगवान के ही समान होते हैं। क्योंकि हमने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन अपने पेरेंट्स को देखा तो समझ लो वही हमारे भगवान है। तो उनकी खुशियों का ध्यान रखें और हमारा डेस्टिनेशन बस आ जाएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।